नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, आप भी अपने जीवन में सफल और कामयाब बनना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि सफलता आपके कदमों में आए? तो दोस्तों, आप यह आज का वीडियो आखिर तक जरूर देखते रहना, क्योंकि आचार्य चाणक्य जी ने सफल होने के कुछ राज बताए हैं। आप इन राज को जानकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप यह आज का वीडियो आखिर तक देखते रहना, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और आप हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आप ऐसी ही ज्ञान से भरपूर वीडियो देखकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अधिक मेहनत करने के पश्चात भी व्यक्ति कुछ कार्यों में सफल हो जाता है और कुछ में असफलता का मुख देखना पड़ता है। आचार्य चाणक्य जी ने जीवन से संबंधित बहुत सारी नीतियों का चाणक्य नीति में उल्लेख किया है, जिन पर अमल करने से जीवन की परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। यहां आज हम चाणक्य नीति के माध्यम से कुछ ऐसे नीतियों का जिक्र करेंगे, जिनके ऊपर आप गौर करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि वर्तमान समय कैसा है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। चाणक्य जी के अनुसार वही मनुष्य सफल रहता है जिसे इस बात का पता होता है कि वर्तमान समय कैसा चल रहा है। समझदार व्यक्ति को वर्तमान समय कैसा चल रहा है उसका ज्ञान होता है। उसे ज्ञान होता है कि यदि सुख के दिन है तो अच्छे से कार्य करें, और यदि दुख के दिन है तो अच्छे कामों के साथ धैर्य रखना चाहिए। जो व्यक्ति वर्तमान को समझ गया, जो व्यक्ति वर्तमान की कंडीशन को समझकर उस कंडीशन के साथ घुल मिल जाता है, वो व्यक्ति जीवन में हमेशा सफल होता है। तो दोस्तों, आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको वर्तमान समय के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। इसके बाद दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं कि अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति को अपनी ताकत का ज्ञान होना चाहिए, अर्थात उसे अपनी ताकत पहचाननी चाहिए। व्यक्ति को ज्ञात होना चाहिए कि वह क्या कर सकता है। व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिससे लगे कि उसे वह पूर्ण रूप से निभा सकता है, उस कार्य को पूर्ण रूप से कर सकता है। शक्ति से अधिक कार्य हाथ में लेने से असफलता का मुख देखना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में सफल और कामयाब होना चाहते हैं तो आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानें। आपका दिल और आपका दिमाग क्या सोचता है और आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी सेक्टर में मेहनत करें, आपको लगना चाहिए कि आप इस काम को कर सकते हैं, तभी आप अपने जीवन में सफल और कामयाब हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं कि मित्रों और दुश्मनों में अंतर समझना चाहिए। व्यक्ति को इस बात का भी पता होना चाहिए कि सच्चे मित्र कौन हैं और कौन कपटी हैं, यानी कि कौन से मित्र अच्छे हैं और कौन से आपको धोखा देने वाले हैं, अर्थात मित्रों के वेश में शत्रु कौन है। इसके साथ ही सच्चे मित्रों को भी पहचानना चाहिए, क्योंकि उनके साथ चलने पर ही आपको सफलता मिल सकती है। दोस्तों, आपके अंदर ये गुण होना भी बेहद जरूरी है। सफल व्यक्ति को मित्रों और दुश्मनों में भेद करने का पता होना चाहिए। अगर आप किसी काम को लेकर आगे बढ़ गए और आपके मित्रों के भेष में अगर आपके दुश्मन आपके साथ चल रहे हैं और आप उनके ऊपर भरोसा कर चुके हैं, तो दोस्तों वो कभी भी आपको धोखा देकर आपको असफल कर सकते हैं। इसलिए मित्रों और दुश्मनों में फर्क समझना बेहद जरूरी है। इसके बाद दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं कि हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि हम किसके अधीन काम कर रहे हैं, यानी कि हम किसकी नौकरी कर रहे हैं। कंपनी या ऑफिस में काम करते समय वहां की जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए।
इसके साथ इस बात पर भी गौर करनी चाहिए कि हमारा प्रबंधक कंपनी, संस्थान या बॉस हमसे क्या चाहता है, कंपनी या हमारा बॉस हमारे ऊपर कौन सी उम्मीदें लगाकर बैठा है। हमें वही कार्य करने चाहिए जिससे कि हमारी कंपनी और हमारे बॉस को फायदा मिले, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कंपनी या अपने बॉस को फायदा नहीं पहुंचा सकते तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकोगे। इसके बाद दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जहां रहते हैं वह जगह कैसी है। चाणक्य जी कहते हैं कि जहां हम रह रहे हैं वह स्थान कैसा है, वहां के हालात कैसे हैं, कार्यस्थल पर काम करने वाले लोग कैसे हैं, इस बात का भी आपको बखूबी ध्यान रखना होगा। इसके बाद दोस्तों चाणक्य जी कहते हैं कि अपनी आय व्यय की सही जानकारी आपको होनी चाहिए, यानी कि व्यक्ति को अपनी आय और व्यय का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। जो लोग आय से अधिक खर्च करते हैं उन्हें हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धन सुख पाने के लिए आय से अधिक खर्चा करने से बचना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, आप अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको हर व्यक्ति का ध्यान रखना होगा, आपको अपने ऊपर भी भरोसा रखना होगा, अपने आप की काबिलियत को भी पहचानना होगा। आप दुनिया में कैसे जी रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, आपका सोचने का नजरिया क्या है, हर तरीके से आपको सफलता पाने के इन पहलुओं को समझना होगा। अगर आप जीवन के इन पहलुओं को समझ गए, जीवन की इन खूबसूरत अदाओं को समझ गए और जीवन जीने के इस तरीके को समझ गए, तो दोस्तों डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी, आप यकीनन कामयाब हो पाओगे। और ऐसे ही व्यक्ति जीवन को सुखमय और सफल बनाते हैं, ऐसे ही व्यक्तियों को जीवन में सफलता मिलती है। दोस्तों आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर शक्ति है, आप उस शक्ति को लेकर अपने काम को करोगे, आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ोगे, तो दोस्तों आप एक ना एक दिन उस लक्ष्य को भेदने में सफल हो जाओगे। चाणक्य जी एक बहुत बड़े विद्वान थे। चाणक्य जी की नीतियां हमारे जीवन को सफल और सुखमय बनाने का काम करती हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अपने जीवन को सफल और सुखमय बनाना चाहते हैं तो चाणक्य जी की इन बातों को अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन के सफल और सुखमय होने के राज को खोल सकते हैं और सफलता की नींव अपनी जिंदगी में डाल सकते हैं, तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाओगे और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया के जरिए शेयर जरूर कर दें, ताकि आपके अपने दोस्त भी अपने जीवन को सफल और सुखमय बना सकें। हमारे आज के वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।